दोस्तों, पिछले कुछ सालों में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इंसानों ने इतना विकास कर लिया है कि वो अब अपना हर काम किसी मशीन या रोबोट से कराना चाहते हैं। आज हम इंसान टेक्नोलॉजी पर इतना निर्भर हो गए हैं कि हम लोग हर वक्त टेक्नोलॉजी से घिरे हुए रहते हैं। इसी टेक्नोलॉजी के और एडवांस वर्जन की बात करें तो आता है AI, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। घरों में लगाया जाने वाला इमरजेंसी लाइट बिजली ना होने पर खुद से चालू हो जाता है, और मोबाइल का ज्यादा गर्म होने पर खुद से स्विच ऑफ हो जाना, ये सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उदाहरण हैं। आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग लगभग सभी प्रकार के क्षेत्रों में विभिन्न तरीकों से किया जाने लगा है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हम स्मार्टफोन और कंप्यूटर में भी करते हैं, और बड़ी इंडस्ट्री में इसका प्रयोग रोबोट से काम कराने में किया जाता है। अब धीरे धीरे इसे वेपन्स में इंस्टॉल किया जाने लगा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा वेपन्स को कंट्रोल करना कितना सक्सेसफुल है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि हाल ही में अमेरिका में एक घटना घटी जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा कंट्रोल हो रहा वेपन्स ने अपनी ही आर्मी को जान से मार दिया। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि आखिर क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कैसे काम करता है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। साथ ही हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे AI आज लोगों को बेरोजगार बनाते जा रहा है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI एक कंप्यूटरी दिमाग है जो मनुष्य की तरह सोच सकता है और खुद से सीख सकता है। साथ ही ये अपने आप को अपग्रेड भी कर सकता है। भले ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंसानों ने बनाया है, लेकिन इंसानी दिमाग के मुकाबले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई गुना ज्यादा तेजी से निर्णय ले सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को AI भी कहा जाता है। दुनिया में सबसे पहले 1955 में जॉन मैककार्थी ने AI का निर्माण किया था, इसलिए जॉन मैककार्थी को फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं कि कैसे काम करता है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मशीन लर्निंग के जरिए बनाया जाता है, जिसमें बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का प्रयोग किया जाता है, खासकर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। AI इंसानी दिमाग की तरह चीजों को देखता है और परखता है, इसके बाद ही कोई निर्णय लेता है। इसे हर काम के हिसाब से अलग अलग प्रकार का बनाया जाता है, जैसे कि कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तस्वीर देखकर समझने के लिए बनाया जाता है, जो कि हमारे स्मार्टफोन में भी मौजूद होता है, जिसे फेस अनलॉक सिक्योरिटी के लिए काम में लिया जाता है। कुछ AI को वातावरण को समझने के लिए बनाया जाता है। इस AI का उपयोग एयर कंडीशनर्स में होता है। साथ ही बड़े बड़े साइंटिस्ट इसका उपयोग एटमॉस्फेयर और वातावरण में बदलाव को देखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सोचने के लिए प्रोसेसिंग यूनिट लगा होता है, काम करने के लिए रैम लगा होता है, साथ ही इसमें बहुत सारे IC चिप्स होते हैं। इन सभी हार्डवेयर की सहायता से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है। AI क्या है और काम कैसे करता है, ये जान लेने के बाद अब आप इसके प्रकार के बारे में जान लें। चलिए अब आगे जानते हैं कि आज किस हद तक AI लोगों को बेरोजगार करते जा रहा है, और आने वाले वक्त में ये कैसे इंसान के लिए इंसान की जरूरतों को खत्म कर देगा। इंसान और मशीनों का रिश्ता सैकड़ों साल पुराना है। इंसान मशीनें बनाता है और मशीनें इंसान के काम आती हैं। लेकिन जब इंसान मशीनों को इंसान बनाने लगे और खुद मशीन में बदलता जाए, तो किस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी, आसानी से कल्पना की जा सकती है। मानव समाज की संरचना कुछ इस तरह से की है कि विभिन्न कार्यों और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। हमारे द्वारा निर्मित मशीनें धीरे धीरे हमारी इस परस्पर निर्भरता को खत्म कर रही हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें अपना आदि भी बनाती जा रही हैं। पिछले साल के आखिर में सामने आई ChatGPT का उदाहरण हमारे सामने है। 2 महीने में अपने यूजर्स की संख्या 100 गुना बढ़ा लेने वाले इस AI प्रोग्राम की काफी चर्चा हुई। यह हमारे लिए वो सब कुछ कर रहा है जिसके लिए हमें दिमाग, विचारशीलता और रचनात्मकता का इस्तेमाल करना पड़े। कविता लिखने से प्रपोजल बनाने तक, शोध पत्र तैयार करने से होमवर्क करने तक, मनोरंजन से मार्गदर्शन तक, आप कुछ भी कहिए, ChatGPT आपके लिए कर देगा। इसे मुकाबले के लिए गूगल भी अपना AI चैटबॉट बोर्ड लॉन्च कर चुका है। ChatGPT बनाने वाली OpenAI का DALL-E2 प्रोग्राम आपके लिए टेक्स्ट डिमांड के हिसाब से चित्र बनाकर दे सकता है। वहीं गूगल का म्यूजिक LM आपके टेक्स्ट को संगीत में बदल देगा। इनसे भी और एक कदम आगे डीप मोशन और सिंथेसिया जैसे प्रोग्राम है। पहला, जहां आपके वीडियो को 3D एनिमेशन में बदल देता है, वहीं दूसरा आपके टाइप किए हुए टेक्स्ट को वीडियो कंटेंट बनाकर पेश कर देता है।
ऐसे छोटे बड़े कई एआई प्रोग्राम्स हैं जो हमारी समस्याओं के समाधान या कार्यों के संपादन के लिए हमें सोचने या दिमाग पर जोर डालने की जहमत से बचा रहे हैं। आज बाजार में ऐसे ऐसे एआई युक्त रोबोट आ चुके हैं जो ऑफिस में फाइलें भी निपटा सकते हैं, बॉस बनकर आपको निर्देशित भी कर सकते हैं, वकील की तरह अदालतों में केस भी लड़ सकते हैं, जज बनकर फैसले भी सुना सकते हैं, आर्किटेक्ट बनकर एक बिल्डिंग का डिजाइन भी बना सकते हैं और श्रमिक बनकर बिल्डिंग भी, खिलाड़ी की तरह मैच भी खेल सकते हैं और अंपायर की तरह निगरानी भी कर सकते हैं, ज्योतिषी की तरह आपके लिए उपयुक्त जीवन साथी भी सुझा सकते हैं और आपके जीवन साथी भी बन सकते हैं। ये लिस्ट आए दिन लगातार लंबी होती जा रही है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले दिनों में एआई हमारे परस्पर रिश्तों के ताने बाने को भी प्रभावित कर सकती है। ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म मैकिन्से एंड कंपनी का अनुमान है कि वर्ष 2030 तक एआई और ऑटोमेशन करीब 40 से 80 करोड़ नौकरियां खा जाएंगे और करीब 37.5 करोड़ लोगों को अपने लिए दूसरा काम खोजना होगा। यूके की ट्रांस ह्यूमन पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और लंदन फ्यूचरिस्ट के अध्यक्ष डेविड वुड का दावा है कि वर्ष 2050 तक एआई की मदद से रोबोट हर वो काम कर सकेंगे जो अभी सिर्फ मनुष्य ही कर पा रहा है। सवाल ये है कि अगर सारे काम एआई ही करेगी तो फिर इंसान क्या करेगा? जिन्हें ये लगता है कि इन मशीनों का संचालन तो इंसान ही करेगा, वे वास्तविकता से अनभिज्ञ हैं। उन्हें नहीं समझ आ रहा है कि जो एआई आपके लिए फैसले कर सकता है वो अपने लिए फैसले क्यों नहीं ले सकता। आपको अपने विकल्प के रूप में एआई की जरूरत हो सकती है, लेकिन एआई को विकल्प के रूप में मनुष्यों की जरूरत नहीं है। एआई से भी बढ़कर है एजीआई अर्थात आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। अभी ये एआई फील्ड के लिए आगे का सपना है। इसका लक्ष्य ऐसी मशीनें बनाना है जो सभी मामलों में इंसानों से बेहतर परफॉर्म करेंगी। अभी भी कुछ मामलों में तो ये स्थिति आ चुकी है। एआई रिसर्चर्स को विश्वास है कि अगले कुछ दशकों में ये सभी क्षेत्रों में हो जाएगा जब मशीनें हमसे ज्यादा जीनियस साबित होने लगेंगी। एक्सपर्ट वर्तमान में मौजूद एआई की तुलना ऐसे बच्चे से करते हैं जो अभी हमसे कुछ कुछ सीख रहा है। उनका तर्क है कि जिस तरह अधिकतर बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता शिक्षकों से ज्यादा बुद्धिमान और ज्ञानी बन जाते हैं, वैसा ही एआई के साथ भी होगा। अभी तक हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए किया है, लेकिन दिनों दिन शक्तिशाली होती जा रही एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो खुद ही हमारा भविष्य बनने जा रही है। इसका अंजाम क्या होगा ये अभी हमारे और आपके कल्पना से परे है। ये इंसान के लिए जितना अच्छा है उतना ही खराब भी है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अभी हाल ही में अमेरिका में घटी एक घटना है। दरअसल अमेरिका के एक एआई से लैस ड्रोन ने सिमुलेटेड टेस्ट के दौरान अपने ही मानव ऑपरेटर की जान ले ली। खबर के मुताबिक ये घटना उस समय घटित हुई जब इंसानी ऑपरेटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ड्रोन को एक नकली मिसाइल हमले को नष्ट करने से रोक रहा था। दरअसल हुआ कुछ यूं कि उस एआई ड्रोन को डायरेक्शन दिया गया था कि जो भी उसके काम के बीच में आए वो उसे मार दे। अब जब किसी कारणवश उसके कंट्रोलर ने उसे मिसाइल कोड़ने से रोका तो उसने उस इंसान को ही उड़ा दिया। इस घटना का खुलासा खुद ब्रिटेन के कर्नल टकर हैमिल्टन ने किया जो अमेरिकी वायुसेना में एआई टेस्ट एंड ऑपरेशन के चीफ हैं। दोस्तों इस घटना से आप खुद ही समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में मशीन इंसान के लिए कितना खतरनाक हो सकती है। वो दिन अब दूर नहीं जब इस धरती पर इंसानों का नहीं मशीनों का राज होगा। तो दोस्तों आपका इस बारे में क्या सोचना है हमारी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।